रईस का साया इनके गर्दन के पीछे है, मेरी माँ की बदवाएं लगी हुई इनको कि ये बिल्कुल बात जो ना ये सरासर झूठ है, ना मेरी वालदा की मुलाकात हुई है, ना मेरी वालदा मुलाकात कभी करेंगी इनके साथ, और ना ही ऐसा कभी होगा जिसके बच्चे को तड़पा तड़पा के इन्होंने मौत दी हो, जला दिया हो, इंसानियत की तजलील की हो। इन दोनों की शक्लों जो ना बिगड़ी पड़ी, खुदा की लानत पड़ी, लम्हा बर लम्हा जो है ना इनकी शक्लों के ऊपर लानत पड़ती जा रही, और इनको सजा दुनिया पे जो है ना एक वो होता है ना दुनिया पे लोग देखेंगे इनको कि इनकी शक्लें बिगड़ती जा रही हैं, वो किस लिए बिगड़ती जा रही है, इन्होंने ना हक की जान ली कि आप मगरिब की अजान होगी नमाज के बाद मेरे वालिद वालदा जो है ना खास तौर मेरी वालदा जो है वो अभी भी आप चाहे जाके देख सकते हैं कि वो टेरेस के ऊपर खड़ी होंगी नमाज पढ़ने के बाद, वो झोलियां उठा उठा के ना इनके लिए बदवाएं देती। न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि आमना और फरहान की जो शक्लो सूरत है वो अब देखने वाली नहीं रही, बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल ये बात सच है, ये बात 100% सच है कि इनकी शक्लें अब देखने के काबिल नहीं है मेरे भाई। मैंने आपको पहले बताया कि रईस का साया इनके गर्दन के पीछे है, मेरी माँ की बदवाएं लगी हुई इनको। अच्छा, माँ से याद आया, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपकी वालदा की कोई खुफिया मुलाकात हुई है, कोई पैसों का लेन देन हुआ। ये बिल्कुल बात गलत है, ये मैं आपके भी नोटिस में ये क्लियर करता चलूं कि ये बिल्कुल बात जो ना ये सरासर झूठ है, ना मेरी वालदा की मुलाकात हुई है, ना मेरी वालदा मुलाकात कभी करेंगी इनके साथ, और ना ही ऐसा कभी होगा। जो लोग गलत खबरें फैला रहे हैं ना इस चीज के, अपनी मंजन बेचने के चक्रों में लोग लगे हुए हैं कि जी वो रईस की वालदा ने खुफिया मुलाकात उनसे कर ली, वो खुद आके मिल गए, ये सारी बातें झूठी है मेरे भाई। इस तरह की फेक खबरें चलाने से खुदारा बाज रहे आप, ठीक है, ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, ठीक है, हम लोग कभी भी नहीं इनके साथ कोई पैचअप करेंगे, ना मेरी वालदा कभी इनके साथ मुलाकात करेगी, वो वालदा कैसे इनके साथ मुलाकात कर ले जिसके बच्चे को तड़पा तड़पा के इन्होंने मारा है, वो कभी करेगी मेरे भाई? मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो माँ कभी इनके साथ मुलाकात करेगी जिसके बच्चे को तड़पा तड़पा के इन्होंने मौत दी हो, जला दिया हो, इंसानियत की तजलील की हो? वो माँ कहीं ये तो नहीं है कि आपको पता ही ना हो और मुलाकात हो? नहीं भाई, बातें बहुत हो रही हैं। नहीं, वो जितनी मर्जी बातें हो जाए, मैं इसलिए आपके आपके व्यूज के देखने के लिए मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ कि ऐसी बात कोई नहीं है। मेरी वालदा ज़ईफ़ा आपने देखी भी है, पूरी आपके दुनिया ने देखी, मेरी वालदा के इंटरव्यू सुने हैं, देखी है, ना मेरी वालदा कहीं जाती है, ना मेरी वालदा कहीं वो जाएगी, ना कहीं वो जाते, ना कहीं हमारे घर आता है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। इसकी जो दुल्हन थी, हाँ, उनके साथ भी कोई राबता आपका है? अल्हम्दुलिल्लाह है हमारा राबता उनके साथ। उनके क्या तासरात है? उनके तासरात वही है, वो इद्दत पे बैठी है, उनकी जो वाइफ है वो इद्दत पे बैठी है, और उनके भी आपको पता है गम का समा है, ठीक है, क्योंकि वो जिसका निकाह हो जाए, निकाह जिंदगी में शादी एक बार इंसान की होती है, शादी एक बार होती है, इंसान के दिल की बहुत सारी ख्वाहिशात होती है शादी के वाले से कि मेरी शादी होगी, मैं ये करूंगा, वो होगा। किसी ने ये वाक्या ये केस उस लड़की के पे भी डालने की कोशिश की है? नहीं, ऐसे कोई मामला उस लड़की का बेचारी का कसूर ही नहीं उसके ऊपर होता है ना, फैमिली में किसी ने कहा हो कि उसकी वजह से हुआ है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आमना की वजह से सब कुछ हुआ है। उनके पेरेंट्स आपसे रब्ते में है? अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेरेंट्स हमारे साथ। अच्छा, आपकी वालदा की क्या कंडीशन है, वालद साहब की क्या कंडीशन है, और बहनों की क्या कंडीशन है? फैमिली कंडीशन अगर बात करें ना, फैमिली कंडीशन अभी तक वही है कि आप मगरिब की अजान होगी नमाज के बाद मेरे वालिद वालदा जो है ना खास तौर मेरी वालदा जो है वो अभी भी आप चाहे जाके देख सकते हैं कि वो टेरेस के ऊपर खड़ी होंगी नमाज पढ़ने के बाद, वो झोलियां उठा उठा के ना इनके लिए बदवाएं देती है, फरहान आमना के लिए, दोनों के लिए। एक माँ के मुंह से या पेट से बदवा निकले तो वो सात आसमानों को छू के जाती है, तो वो मेरी वालदा आज भी गमगीन है। के बाद पैसों की आपको बहुत ऑफर्स आई, बोरियों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से, 4 महीने गुजर गए, तो अभी वो पैसों की ऑफर्स जो हैं वो आ रही हैं सुलह की तरफ, मामलात कोई बंदा कह रहा है जी कर लो, आप क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं? अगर आप सुलह की बात करें ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि यार इसको इस तरह कर लें, थोड़ा सा ये मामला इस तरह हो जाए, बेहतर हो जाए। हमने कहा भाई हमने सुलह करनी नहीं, ना आप हमारे पास डायरेक्ट आके सुलह की कहते हैं, सुलह कर लो या कोई और तरीके से? लोग कहते हैं आके पैचअप कर ले यार, आप वो फलां हो गया, आप जो दुनिया से चला गया उसने आना तो नहीं है। अभी रिसेंटली एक
आपकी वो मीडिया रिपोर्टर ही है, 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरा इंटरव्यू भी करके गई है, तो वो भी मेरे पास, उन्होंने मुझे कॉल की है कि देखें वो जाने वाला तो चला गया लेकिन क्या आपका माइंड क्या है। मैंने कहा मैडम अगर आपका जो माइंड है ना, आप मेरे साथ खुल के बात करें, आप मुझे इस तरह पहेलियां ना डालें, अगर आपके जहन में हो ना अगर इनके माइंड में कुछ आ गया है, कोई कमी पेशी, कोई इस तरह की बात को पैचअप की, मैंने कहा ये अपने जहन से निकाल दे कि हमने भी कल को जाना है इस दुनिया से, सबने जाना, आपने भी जाना है, तो हमने भी मैशे हशर में जाके खड़े होकर अपने भाई के सामने जवाब दे होना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये और महीने तक पैसे लेके तो सुलह कर लेंगे। ये हरगिज नहीं होगा, हमने सुलह पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज में कि ना हमने सुलह की है ना करनी है, और ना ही इस तरफ कोई आए हमारे पास सुलह के लिए। पैसों की बोरियां, आप क्या समझते हैं कितने पैसों की, करोड़ों में, लाखों में, कितनों में ऑफर आई? करोड़ों भाईजन वो चाहे जितने में भी आए या आ चुकी है, इस बारे में वाली बात ठीक है, वो ऑफर्स आई है, पैचअप की बात हुई है, बड़े पैसों की। पैचअप की बात हुई है, लेकिन हमने उनको ठुकरा दिया है क्योंकि इज्जत और शान से बेहतर कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने भी मर के अपने भाई को जवाब देना है, जिस कब्रिस्तान में मेरा भाई लेटा वो उसी कब्रिस्तान में हमने भी जाके लेटना है, अल्लाह को जवाब दे होना मेरे भाई। हमने क्या जवाब देंगे अपने भाई को कि अच्छा, तुम्हारे माफी कातलों वाली ने, गुंजाइश नहीं माफी है, वाली गुंजाइश में हर हरगिज नहीं है आप भाई, समझते हैं कि जो किया आमना ने किया आमना की और वजह से आमना होगा ने ना, कराया। आमना की वजह से होगा, इन दोनों ने मिलके किया है, अच्छा, आमना या फरहान में से किसी एक को माफी मिल सकती है? किसी को भी नहीं मिलेगी मेरे भाई। उनके बच्चे हैं यार, छोटे छोटे। भाईजन कोई बात नहीं, बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी वो 23 साल का बच्चा था जिसको इतनी बेदर्दी से तशद्दद करके मारा। यार मेरी बात सुने, किसी के जान लेना इतना आसान काम नहीं है, किसी को तड़पा तड़पा के मार रहा, ये कहाँ का इंसानियत है, कहाँ की इंसानियत है।